हिलना नहीं, वो घड़ी मुझे चाहिए। तुम यहां कैसे आई? रास्ते में एक आदमी की पॉकेट किसी ने मार दी, लोग खामखा मेरे पीछे पड़ गए। मैंने चोरी नहीं की। खड़ी लाओ। एक बात बोलूं, तुम इतने अच्छे माँ बाप के बेटे हो, ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? हम तो मजबूरी में क्या करते थे, लेकिन तुम्हारे प्यार ने वो भी छुड़वा दिया। सीधी तरह खड़ी लाओ। नहीं, इसे पुलिस के हवाले कर दो। बकवास बंद करो और खड़ी लाओ। ओह माय गॉड, इसमें तो ट्रांसमीटर है, ये जरूर पुलिस की चाल है। क्या बात है साहब? इसके पीछे क्या है? कुछ नहीं है साहब। खोलो इसे। लेकिन आप कौन है? पुलिस। ओह, आइए साहब, आइए। और कुछ देखना साहब? हाँ ठीक है। शबू,
तुम यहाँ से जाओ। लेकिन तुम्हारे पाँव में गोली लगी है, कितना खून बह रहा है। तुम समझती नहीं हो, ये खुफिया जगह है, अगर कोई आ गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये रास्ता ऊपर ब्लाइंड स्कूल में निकलता है, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। जाओ। लेकिन किशन तुम जाओ जल्दी। किशन क्या हुआ बेटे? पुलिस की चाल थी, गोली लग गई। ज्यादा ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? दर्द की फिक्र मत कीजिए पिताजी, उसे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा। फिक्र इस बात की है कि निशान रह जाएगा। देव तुम जाके डॉक्टर कपूर को बुलाओ जल्दी। अभी लाता हूं भैया। तू लेट जा बेटे। मुझे डर सिर्फ इस बात का है पिताजी, कहीं अमित ये राज कमिश्नर साहब के सामने ना खोल दे। जब तक भवानी माँ का साया मेरे साथ है, दुश्मन तो क्या जन्म देने वाला भी नहीं मार सकता। मेरे कफलिंग्स कहाँ गए? कफलिंग से क्या होगा किशन, मेरे ख्याल में अब तुम्हें हैंडकफ से काम चलाना पड़ेगा। वाह वाह, क्या जोक मारा है। आप चाहते हैं कि मैं आपके सड़े हुए जोक पे हंसूं? लीजिए हंस देते हैं। आज तुम भले ना हंसो किशन, लेकिन कल तुम्हारी ये हरकतें सारे खानदान को रोने पर मजबूर कर देंगी। क्या बात है यार, आज कुछ ज्यादा गंभीर डायलॉग बोल रहे हो। कौन से नाटक का है? वही नाटक जो आजकल तुम खेल रहे हो। देखो किशन, उस रात घड़ी चुराने तुम ही आए थे, मैंने तुम्हें देखा था। चोरी करने आया था मैं? अरे आहिस्ता बोल यार, अगले इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ, एक वोट नहीं मिलेगा। किशन Don't try and change the topic. बोल कौन है वो लोग जिनके लिए तू ये काम कर रहा है? उन्होंने जरूर तेरी किसी मजबूरी का फायदा उठाकर तुझे फंसाया है। देख किशन, बचपन में तेरी हर शरारत का इल्जाम मैं अपने सर पे लिया करता था। अगर आज भी कोई ऐसी बात है मेरे भाई तो बता दे, मैं तेरा हर इल्जाम अपने सर पे ले लूंगा। बोल, तू बोल ना। दारू पीना शुरू कर दिया है क्या? पार्टी में कंट्रोल रखना, तेरे बड़े बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, बहकी बहकी बातें करेगा तो तेरे रिकॉर्ड में दाग लग जाएगा। रिकॉर्ड में अगर दाग लगा तो मिट भी सकता है, लेकिन एक बार जिंदगी में दाग लग गया तो कभी नहीं मिट सकता। अब भी वक्त किशन। वक्त है नहीं यार, हो गया है। ओहो, ये टाई कैसी पहनी है? दूसरी टाई देता हूं। किशन आहिस्ता यार आहिस्ता, क्रेस खराब हो जाएगी। तूने किसी और को देखा है और शक मुझ पे कर रहा है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं किशन, साफ साफ बता देनी तो मैं डैडी को सब कुछ कह दूंगा। इंस्पेक्टर साहब अपने पे नहीं चलने वाली, जाके बोल दो आई डोंट केयर। ओके। डैड डैड मुझे आप। आओ 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 मेरे शेर। अरे ये क्या खाली हाथ आए हो, हमारा तोहफा कहाँ है? तोहफा तो लाया हूं डैड, लेकिन बहुत कीमती है, देने को मन तो नहीं चाह रहा मगर दिए बगैर कोई चारा भी नहीं। समझ गया, लगता है तुमने केस सॉल्व कर लिया और आज अपने वादे के मुताबिक सबके सामने उसका नाम पेश करने वाले हो, करेक्ट? उसका नाम तो बाद में पेश होगा डैड, पहले मैं पेश हो रहा हूं। आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000 और हजारों सालों की जिंदगी की हिफाजत के लिए ये छोटी सी भेंट।
Thank you, son. It's beautiful. Amit, तुम सिर्फ उस आदमी का नाम मुझे दे दो। किशन की छोटी सी भेंट से अगर हम उस आदमी को कानून की भेंट न चढ़ा दें, तो हमारा नाम भी शमशेर सिंह नहीं। सुनिए, आप लोग यहीं अपनी पार्टी मनाएंगे या बाहर भी चलेंगे? सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मैम साहब, बुजुर्गों ने कहा है कि लोगों को इंतजार करवाने के बाद महफिल में जाओ तो तालियों से स्वागत होता है। वक्त से पहले पहुंच जाओ तो खुद ताली बजा बजा कर आने वाले का स्वागत करना पड़ता है। अंडरस्टैंड? पहले टुकड़े नन्हे फरिश्तों के लिए जो मेरे लिए मुबारकबाद लेकर आए। आपने ठीक कहा डैडी, ये बेचारे ना देख सकते हैं और ना दिखावे का तोहफा दे सकते हैं, लेकिन इनके दिलों में जो आपके लिए प्रेम है उसे संगीत में भरकर आपके चरणों में पेश कर सकते हैं। ये लो भाई। संगीत तो ये लोग बजाएंगे ही, मगर इसके साथ कुछ गाना वाना हो जाए तो बेहतर है। यूसुफ मियां, ये एक पुलिस ऑफिसर की सालगिरह है, किसी गवैये की नहीं। ये लीजिए। क्यों भाई शमशेर सिंह, पुलिस वाले गा नहीं सकते क्या? मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी से पहले तुम भाभी के पीछे गाते हुए लेफ्ट राइट किया करते थे। अरे भाई, वो जमाना कुछ और ही था, अब वो बातें कहाँ हैं। अरे नहीं भाई, अब भी वही जमाना है, चेहरे बदल गए हैं सिर्फ। फर्क सिर्फ इतना है मियाँ कि पहले तुम गाते थे, अब तुम्हारे दोनों बेटे गाते हैं। बेटे गाते हैं? गाते ही नहीं मियाँ, नाचते भी हैं। हमने कभी देखा नहीं। डैडी, ये यूसुफ अंकल को तो यूं ही मजाक करने की आदत है। हाँ, हमें गाना वाना कहाँ है, क्यों मित? क्या बात करते हो बरखुरदार, जरा सुनो तो सही। तुम दोनों नाच गा सकते हो और कहते हो कि गा नहीं सकते। उस दिन नेशनल पार्क में लड़कियों के साथ सबके सामने भांडा तो मत फोड़िए। हाँ तो फिर शुरू हो जाओ तुम दोनों, वरना मैं सबके सामने शुरू हो जाऊंगा। अरे भाईजान, आप लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हैं, जरा हम भी तो जाने। गाते हो या बता दूं? गाते हैं गाते हैं। क्यों, क्या गाए? ये सोचना तुम्हारा काम है। वही प्रेम का गीत जो दूसरों के लिए गाते हो, आज बाप के लिए गा दो, आखिर हम भी तो तुम्हारे चाहने वालों में से हैं।